हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि आपको मोशन होता क्या है। तो मोशन कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है, जस्ट एज पुश और पुल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है तो ऑब्जेक्ट कोई एक डायरेक्शन में जाता है, तो उसको बोलते हैं मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, कोई भी डायरेक्शन में जाता है टाइम के हिसाब से, तो ये टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ बन जाता है। मतलब मोशन सीधे सीधे देखा जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो आगे जाता है अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड कोई एक डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं मोशन। जस्ट एस इसका डेफिनेशन होगा, इफ एन एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन पुश और पुल, या एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड हैज बीन अप्लाइड इज नोन एज मोशन इज नोन एज मोशन। ये हुआ सही डेफिनेशन मोशन का। तो बस आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को बंद कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।